माशाल्लाह ये खाना का बकर जो गुलाब है ये माशाल्लाह लास्ट ईयर जो चेंज हुआ था इनके दरवाज़ा मुबारक है उसके सामने जो बकर आता है ये लास्ट ईयर का है माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, तो ये इस ब्लॉग का सेकंड पार्ट आपके सामने हाज़िर है और इसमें दो चीज़ें दिखाई जाएंगी। एक तो जहाँ पे हरम के अंदर मैं वहाँ पे गई थी, वहाँ पे मुझे मौका मिला पहले, बट उनके पास गोल्ड वगैरह ख़त्म हो गया था। जो स्टिच करते हैं वो आम नमाजी जो है सब लोग वहाँ पर मौका हासिल कर सकते हैं, सादत ले सकते हैं ये वाली। इसके बाद हम जो है यहाँ पर फैक्ट्री में जहाँ पर बड़े लेवल पर सब वर्कर्स काम करते हैं, और ये अब हम जा रहे हैं उस जगह पर जहाँ पर सब काम करते हैं। अब आप पूरा ब्लॉग देखेंगे आपको हर चीज़ नज़र आएगी कहाँ पर क्या होता है। अपनी अपनी एक्साइटमेंट बताएं आप गुलाफे काबा को देखने भी जा रही हैं और उसकी सिलाई करने भी जा रही हैं। फुल प्रोटोकॉल के साथ एंट्री हुई है, फुल प्रोटोकॉल के साथ अरबी हमें लेने आए हैं, रिसीव करने आए हैं, ये जा रहे हैं आगे। और ये मैडम बहुत ज़्यादा खुश हैं, इनकी फेस से आप इनकी खुशी का अंदाज़ा लगाएं आप। गुलाफे काबा आ गया है मुझे लगता है, और ये सिलाई हो रही है यहाँ पे। कुछ जो पार्ट है वो बन चुका हुआ है और कुछ जो बन रहा है मेरा ख्याल है जो लगा हुआ है वो शायद उसकी सिलाई करेंगे। अच्छा हज खाली है डब्बे में। हाँ जी बाबा, अभी अभी वो उधर दिखाएंगे। ये देखें एक ही स्टोन है, पैराडाइज, स्टोन ऑफ पैराडाइज। माशाल्लाह ओरिजिनल India before 135 years old. Okay. And this one come from Egypt before 100 years old. Oh, mashallah. This one before 70 years old. This one from Syria before 70 years old. And this one from Qatar before before 40 years old. 40 years old. Yeah. And this one is from Qatar but. 20 years. Oh my God.
अब हम जाने वाले हैं उस जगह पे जहाँ पे एक तो जितने भी वज़ीर आते हैं या बड़े बड़े जो भी पर्सनालिटीज़ आती हैं वो वहाँ पे जाके गुलाफ़े काबा को उसकी कढ़ाई करने की सआदत हासिल कर सकती हैं। उस जगह पे हम लोग जा रहे हैं। एक इनकी दूसरी साइड थी जहाँ पे सब वर्कर्स काम करते हैं ह्यूज लेवल पे, जहाँ पे वो सारी कढ़ाई वगैरह करते हैं। और ये माशाल्लाह से जब इंटर हो रहे थे और मैं जगह देख रही थी और मैं मतलब ये साइड पे हर चीज़ जो है वो खाना काबा की ओरिजिनल चीज़ें लगी हुई हैं। ये साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगी भी क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लगी हैं, कौन कौन सा फ्रेम कैसा कैसा है। और ये अंदर सब चीज़ें जो हैं ऊपर जो गुलाफ़े काबा की लास्ट ईयर की चीज़ें थी वो सब लगी हैं। और ये लास्ट ईयर जो दरवाज़े के आगे गुलाफ था ये वो वाला है जो इधर लेफ़्ट साइड पर लगा हुआ है। और ये माशाल्लाह से वो चीज़ है जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। मेरा दिल कह रहा था कि फटाफट जो है ना वो मैं कर लूँ बस किसी तरह, कि बस वो चीज़ मेरा भी नाम मेरा भी थोड़ा सा हिस्सा उस चीज़ में पड़ जाए जो अगले साल 2023 के अंदर जो है वो गुलाफ़े काबा पहनाया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बैठे और इन्होंने पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाया। उसके बाद जो है इन्होंने थोड़ी सी इसके बारे में बताया कि यहाँ पे आम लोग नहीं आ सकते और ये पब्लिकली अलाउ नहीं है और ये वो यू आर द लकी, इस तरह सब ये बातें जो हैं यहाँ पे ये बता रहे थे। और ये हैं, ये मैं और मेरी आपी हैं। और ये वो वाला गुलाफ जो आपको नज़र आ रहा है ये वो लास्ट ईयर जो गुलाफे काबा है उसके दरवाज़े के आगे जो खाना काबा के दरवाज़े के आगे था ये वो वाला है। माशाल्लाह माशाल्लाह। يرجع إنشاء مجمع الملك عبد العزيز للتوجيه وأمر جلالة الملك عبد العزيز قيم الله ظهره في عام 1446 साथ साथ मैं थोड़ी सा गाइड भी करती जाती हूँ आपको। ये अरबी बोल रहे थे तो जिन जिन को नहीं समझ आती है उनके लिए मैं बता दूँ कि ये बता रहे थे यहाँ पे कि वो जो गुलाफ़े काबा है वो जो खाना काबा है वो बना है 1411 हिजरी में। और ये उसके बिस्मिल्लाह के नीचे भी लिखा जाता है गुलाफ के ऊपर। मैं आपको दिखाऊँगी आगे जाके, देखिएगा आप ये किसकी बात कर रहे हैं। ये सामने आपको बिस्मिल्लाह लिखी नज़र आ रही है, इसके नीचे देखें 1411 लिखा हुआ है। और जगह जगह गुलाब इस गुलाब के ऊपर लिखा जाता है। और जहाँ पे हजरे अस्वद है उसके ऊपर जा या हयू या कयूम लिखा गया है, अल्लाह अकबर लिखा गया है, उसके नीचे भी आप लोग गौर करेंगे तो 1411 हिजरी वहाँ पर लिखा नज़र आएगा आपको। تمسك الابرة دي تصبحها كده و... ايه تاخذ صورة تمام صورة بعدين بعدين فيديو صور فيديو تقول بسم الله بسم الله اول شيء صورة بريم.
Alexa, you are blessed. Alhamdulillah. MashaAllah. दस पच्चीस देगी आप लोग को नाइस कपल माशाल्लाह हाँ जहाँ पे हम आए हैं हमारे लिए बहुत बड़ी सादत की बात है कि जहाँ पे हम बैठे हैं सदर वजीर बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं वो वहाँ पे आती हैं यहाँ पे और यहाँ पे किसी को अलाउ नहीं होता है और ऑल क्रेडिट्स टू माय आपी आई लव यू सो मच लव यू टू और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बता नहीं सकती हूँ मेरी फीलिंग्स क्या हैं मेरे पास कोई स्पेसिफिक वर्ड्स नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए आपके आंसुओं के साथ लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं अंदाजा लगा सकते हैं तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि लाइक मैं क्या बोलूं क्या करूं बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सो इन्होंने हमें जो है यहाँ के मैनेजर हैं माशाल्लाह जिनका नेम जो है अहमद है थैंक यू सो मच यहाँ पे हम लोग आए हैं और लाइक अगेन थैंक यू सो मच वेलकम वेलकम بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم بمجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة زاد الله تشريفا وتعظيما وأيضا يعلم الجميع بأن محبة الله سبحانه وتعالى للإنسان إذا أحب عبد قربه لبيته العتيق لأداء الصلاة والطواف والعمرة وأيضا إذا أحبه قربه مجمع الملك عبد العزيز للمشاركه في حياكه ثوب الكعبه المشرفه التي ستتعلق هذا العام ان شاء الله. فاهلا وسهلا فيكم ومرحبا. ويلكم. جزاك الله ثانك يو. اوكي. میں ابھی آپ لوگوں کو ان کی ٹرانسلیشن بتاتی ہوں کہ انہوں نے کیا بولا ہے سارا. اوکے. یہ بتا رہی ہے بس الحمد للہ یہ سینٹر بنایا ہے تاریخ کم بولت. 1399 اوکے تو جو یہ بننا ہے جو ورکر کرتے ہیں نا ہینڈ سے بھی کرتے ہیں اور مائنڈ سے کرتے ہیں دل سے 1399 میں یہ والی فیکٹری بنی ہے اور یہاں پہ ماشاءاللہ جو بھی کام ہوتا ہے وہ مائنڈ سے اور دل سے کرتے ہیں اور ہاتھ سے کرتے ہیں جتنا بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ اور پورا سال لگتا ہے تبلغ تکلفة قصة الكعبة المشرفة قرابة 25 مليون ريال سنويا 25 مليون يقدمها سيد خادم الحرمين الشريفين للكعبة المشرفة في كل عام every year king سے طرف سے یہ gift آتی ہے کس وقت الکعبہ ماشاءاللہ یہاں کے king ہیں سعودی عربیہ کے وہاں پہ وہ gift کرتے ہیں gift کرتے ہیں یہ والا غلاف الکعبہ ہاں غلاف الکعبہ ہاں ماشاءاللہ تو وہ بھی بتا رہی ہے جو اللہ بند کو پیار کرتے ہیں وہ اس کو قریب کرتی ہے اللہ کی گھر سے اور اللہ کی وہ کیا کیسے بنتی ہے یہ کس وقت الکعبہ یہ سب اللہ کی طرف سے آتی ہے سب کچھ انہوں نے بولا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جس
बंदे से प्यार करता है, जिसको अपने पास करीब लाना चाहता है, वो उसको पहले तो उमरा पे बुलाता है, अपने घर में बुलाता है, और उसके बाद जो है उसको मज़ीद करीब करने के लिए अपनी अपने घर के ऊपर जो उनका एक गुलाब चढ़ता है वो कैसे बनता है वो दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बोला कि वो आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी होते हैं ना, जो बंद नीयत में जाते हैं ना वो अल्लाह पूरा करते हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बहुत ज़्यादा ये विश थी मैंने अभी हर तवाफ में ना हर तवाफ में दुआ की अल्लाह ताला प्लीज मुझे वहाँ बुला ले, प्लीज बुला ले। अब आपको जो भी चीज़ें दिखाई जाएंगी सारी ज़्यारतें हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, और ये सारी अरबी में बता रहे थे कि कहाँ कहाँ से क्या क्या है। ये हर साल किसी ना किसी कंट्री से तोहफ़ा आता था गुलाफ़े काबा का, कि ये वाला जो है ये मिस्र से बन के आता था, ये वाला कवर गुलाफ़े काबा का, और ये वाला है गुलाफ़े काबा, ठीक है। इसके बाद जो है ये इंडिया से भी आया हुआ है। मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये लगी थी कि इंडिया से भी बन के आता था माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद जो है ये रेड कवर, जो रेड कलर का है, रेड में ये अंदर का है, ठीक है जी। और ये अंदर का बंदा ये भी इंडिया से आया था, ये फ़ी हिंद नीचे लिखा हुआ है। इसके बाद जो है ग्रीन कलर का है वो, ये खाना काबा के अंदर जो है वो ग्रीन कलर का ये वाला गुलाफ होता है नीचे अंदर वाला, ठीक है। और इसके बाद जो है ये उसका आउटर कवर है, और ये जो है वो ब्लैक कलर में है, और ये भी जो है ये आई थिंक कतर की तरफ कतर की है ये जब ये, और ये वाला जो है ग्रीन में ये गुम्मत खजरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो उनके गुम्मत के अंदर जो कब्र मुबारक पे कपड़ा है वो ग्रीन कलर का है, और वो इस तरह का होता है। ये भी हर साल जो है वो चेंज होता है माशाल्लाह माशाल्लाह। और सारी ज़ियारतें हैं, और ये जितने भी गुलाफ के ऊपर उसके पीसीज हैं ये यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं, और ये पूरी यहाँ पे। और इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है ये आपने देखा होगा हजरत अस्वद के ऊपर, बल्कि मैं ये थोड़ी देर में दिखाती हूँ। इसके बाद जो है ये वाला है, ये भी उसके अंदर खाना काबा के अंदर जो है ये वाला पीस होता है अंदर, और ये इनकी डिटेल ये बता रहे थे, और ग्रीन कलर में होता है ये भी। इसके बाद ये हजरत अस्वद के ऊपर जो है ये लिखे गए हैं, ये या हय्यू या क्यूम, इन्होंने बुलाया कि कुछ सालों बाद कोई ना कोई चेंज होता है इसके ऊपर, जो भी पांच लिखे जाते हैं, अल्लाहु अकबर है, या रहमान या रहीम है, सुबहानअल्लाह है कभी, या हय्यू या क्यूम है, तो ये उसके ऊपर के हैं। ये 1439 के अंदर 1439 से आज तक जो चीज़ें उस कॉर्नर पे लिखी गई हैं वो ये वाली हैं। इसमें चारों कुल भी हैं, और या रब्बुल आलमीन है, और इसी तरह या हय्यू या क्यूम है, और ये सब जो वर्ड्स हैं ये वाले लिखे गए हैं कॉर्नर पे। और ये था मेरा आज तक का व्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव था, और सब के लिए ये जो है बहुत बड़ी सआदत है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।